पैगाम आएगा कि भारत के तीन दूल्हे बैठे हुए हैं भारत के, हमारे साथ अख्तर अली मान बैठेगा, दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। यह है बात, पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो उसको डर लगना शुरू हो जाता है, अरे ये दो मजलिस के एमपी है मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार दो नहीं तीन जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे ना तीन, आप तमाम अख्तर अली मान को अपना एमपी बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाल्लाह। अल्लाह आपके हौसले अज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफों में जो अबू जहल अबू लहब मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन है वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बा की बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई 2019 में क्या यहां से जेडीयू जीती या कांग्रेस जीती बताओ? अख्तर अली मान को आपने जो भी वोट दिया नहीं दिया वो आपका फैसला था, मगर अब की बार आपको अपील कर रहे